राज्य में सत्तासीन गठबंधन की प्रमुख भागीदार भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता और मंत्री गुरुवार को राज्य के शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने मजार ए शहदा नक्शबंद साहिब नहीं पहुंचा। अलबत्ता मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती व राज्य मंत्रिमंडल में शामिल पीडीपी के वरिष्ठ नेता ही श्रद्धांजलि समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने शहीदों के मजार पर पुष्प चक्र भेंट कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर राज्य पुलिस सशस्त्र बल के जवानों की एक टुकड़ी ने भी शहीदों को सलामी दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें न सिर्फ यह दिन बल्कि ये भी याद रखना चाहिए कि 1931 के शहीदों ने किसके लिए कुर्बानी दी। उन्होंने रियासत में लोकतंत्र, बराबरी और आज़ादी के लिए अपनी जान दी। इसलिए हम सभी को राज्य में लोकतंत्र, बराबरी और आज़ादी की दुश्मन ताकतों को नाकाम बनाने के लिए एकजुट होकर राज्य में अमन व खुशहाली का माहौल बनाना है। यहाँ कुछ ताकतें हैं जो हिंसा और आज़ादी के नाम पर राज्य को बर्बाद करना चाहती हैं। आवाम को उन्हें नाकाम बनाने के लिए आगे आना होगा। अलग अलग नजरिया रखने वाले अलग अलग लोग एकजुट होकर हमने उसकी मजम्मत की और इस तरह से पूरी दुनिया को एक बार फिर पैगाम दिया कि कश्मीर की कश्मीर तभी जिंदा है। वो किसी भी ऐसी बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो कश्मीर के खिलाफ है। मुझे लगता है हमें वो सबक याद करना चाहिए और ये खौफ हरास की जो जिंदगी जो हमने एक कुछ लोगों ने इसको मफलूज बना के रखा है, हॉस्टेज बना के रखा है जम्मू कश्मीर के हालात को, उसके साथ लड़के हमें वाकई जिन चीजों के लिए, जिस खुशहाल जम्मू कश्मीर के लिए इन शहीदों ने कुर्बानी दी है, उस खुशहाल जम्मू कश्मीर को बनाने में हमें आज जो है एक जद्दोजहद करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्ली टाइम्स।